बताऊं। सबसे पहले इसमें ये दो वायर है, इस प्रकार का इसमें ये पिन लगा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे रेड और ब्लैक ये दो वायर है हमारे, ये बैटरी के लिए होता है जो कि यहाँ पे इसके पीछे लगता है। तो आप बैटरी का सही लगाए, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, तो ये हो गया। इसके बाद में हमारा एक ये सिंगल वायर होता है जो कि अर्थिंग के लिए होता है, ये बॉडी का कहीं भी इसे टच कर देंगे। तो ये तीन तार वाला जेक होता है, ये हमारी इस कोयल के यानी कि रिले कोयल होते हैं, इसके इस कनेक्टर में लगा होता है, इसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो गया। इसके बाद में ये हमारे दो तार आते हैं, देखिए दोस्तों इनमें दोनों में फर्क है, इधर रेड और इधर ब्लैक है, और यहाँ पे दोनों ब्लैक ब्लैक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे ये थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है ये यहाँ पे लगेगा, तो आप कोई सा भी लगा दे सकते हो, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो ये यहाँ तक हमारा ये कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर कंप्लीट आता है, तो इसको हमें लगाना नहीं पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकली काम करना चालू करेगा। और ये यहाँ पे हमारा आता है, ये हमारा दो तार वाला कनेक्टर आता है, वो हमारा जो इसमें ये स्विच लगा होता है ये इसके लिए होता है, और स्विच से यहाँ पे सिर्फ में बनकर यहाँ पे एक और कनेक्टर दिया जाता है जो हमारा मैग्नेटिक के अंदर आता है, मैग्नेट के अंदर। तो ये थी इसकी वायरिंग। अब मैं आपको इसको